श्रीमद् भागवतम तृतीय सर्ग 13वां अध्याय। वराह भगवान का प्राकट्य। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीव उत्सुक हूँ। जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घकाल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रख कर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। है आराध्य, आप हमें हमारी कार्यक्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। हे राजनो, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा हैं, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाए। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वासस्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घकाल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचारमग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर वराह का लघुरूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। हे भरतवंशी,
तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्माजी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या सूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विश्लुब्ध है। क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्वकृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़े अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुईं, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हों, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नीलोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सूकर का रूप धारण किया है? हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं और आपके चार पाव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। हे प्रभु, आपकी जीभ यज्ञ का पात्र स्रकु है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र स्त्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र इड़ा है और आपके कानों के च्यूटरों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है।
आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित रहे, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़े दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है, तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के साथ तत्व है। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अहृष्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभवगम्य हैं। हम आपको भक्तियोग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के सिरे पर उठाए हुए हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नीम है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, जिस तरह कोई दक्ष यज्ञकर्ता अरणि काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती हैं?